देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान असमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। तो आज एक खबर सुर्खियां लगातार बटोर रही है सुबह से ही, क्योंकि 16 दिन के भीतर ही अतीक अहमद एक बार फिर से साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। प्रयागराज पुलिस अपने साथ उन्हीं गाड़ियों को लेकर पहुंची है जो पिछली बार गाड़ियां गई थी। वही कई घंटों की कागजी कार्रवाई के बाद अतीक को साबरमती जेल से बाहर निकाला गया है। जेल से बाहर आते ही अतीक को फिर से एनकाउंटर का डर सताने लगा और उसने कहा, ये मुझे अब मारना चाहते हैं। अतीक अहमद को इस बार काफी सुरक्षा के बीच लाया जा रहा है। वही पुलिस वैन में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। उसे बायोमेट्रिक लॉक वाले पुलिस वैन में रखा गया है, जिसका एक्सेस महज कुछ ही पुलिसकर्मियों को दिया गया है। इसके साथ पुलिसकर्मियों को बॉडी फोन कैमरा पहनाया गया है। कई जवान बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर मुस्तैद हैं। और एक बार फिर यूपी का सबसे बड़ा डॉन अतीक अहमद 1250 किलोमीटर के सफर पर निकल गया है। एक बार फिर उमेश पाल हत्याकांड के मास्टरमाइंड की आंखों में खौफ दिखाई दे रहा है और जुबा पर दहशत है, जैसा पिछली बार था। तो वह अतीक अहमद को कौन से रूट से लाया जा रहा है, ये भी लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। अहमदाबाद से उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, शिवपुरी, झांसी और वहीं जालौन से होते हुए महोबा पहुंचेगा अतीक अहमद, जिसके बाद बांदा, चित्रकूट के रास्ते प्रयागराज के नैनी जेल में अतीक अहमद को एंट्री मिलेगी। तो ये पूरा काफिला था। तो आपको बता दें कि पिछली बार अतीक अहमद इसी रूट से आए थे और एक बार फिर से अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है अतीक अहमद को एक बार फिर इसी रूट से लेकर जाया जाए, जहां शिवपुरी, झांसी, जालौन, महोबा के साथ बांदा ये काफिला पहुंच सकता है। और ये भी कहे कि पिछली बार ये यही रूट था जिससे अतीक अहमद को नैनी जेल में लाया गया था। हो सकता है कि रूट इस बार सेम रहे, लेकिन ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर रूट में कुछ बदलाव हो सके। लेकिन फिलहाल जो सूत्रों के हवालों से खबर आ रही है उसमें रूट तकरीबन यही बताया जा रहा है। वह अतीक ने जेल से निकलते ही कहा था कि कोर्ट के कंधे पर रखकर मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। पिछली बार अतीक को उमेश पाल अपहरण कांड में पेशी के लिए प्रयागराज ले जाया गया था। वहीं एमपीएमएलए कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अब अतीक पर उमेश पाल मर्डर केस में भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है, लिहाजा यूपी पुलिस वारंट बी लेकर प्रयागराज से साबरमती जेल पहुंची थी। वही वारंट बी का मतलब है ट्रांसफर वारंट। तो एक बार फिर से अतीक की आंखों में खौफ और जुबा पर भी डर दिखाई दिया और साबरमती टू प्रयागराज पार्ट टू इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी अतीक अहमद को एक बार साबरमती जेल से निकालकर प्रयागराज के नैनी टू जेल में लाया गया था, जहां एमपीएमएलए कोर्ट ने अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उमेश पाल के अपहरण के मामले में अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। तो वही अब उमेश पाल के हत्याकांड के मामले में भी अतीक अहमद की पेशी होनी है, जिसको लेकर जो पुलिस है वो अतीक अहमद को लेकर अब साबरमती जेल से रवाना हो चुकी है। और वहीं जेल से निकलने के बाद एक बार फिर अतीक अहमद ने यह कहा है कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। तो अतीक अहमद की आंखों में खौफ देखने को मिल रहा है और इस बार सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम है, जबकि सूत्रों की माने तो हो सकता है कि पुराने रूट को दोहराया जाए या जिस रास्ते से अतीक को लाया जा रहा है वो रूट सेम हो। लेकिन अब ये भी खबर है कि हो सकता है अतीक को जो पुलिस लेने पहुंची है, पुलिस के काफिले में जो रास्ते हैं उसमें थोड़ा सा डायवर्जन भी किया जा सकता है, यानी रास्ते बदले जा सकते हैं। तो आंखों में खौफ और जुबा पर अतीक अहमद के एक बार फिर से डर देखने को मिला है। तो साबरमती जेल टू प्रयाग राज का सफर अतीक अहमद के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अतीक अहमद एक बार फिर से प्रयागराज के नैनी जेल में लेकर आया जा रहा है। तो सबसे बड़ा डॉन अतीक अहमद 1250 किलोमीटर के सफर पर एक बार फिर निकल गया है। उस बार भी अतीक अहमद को ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि सेम रूट से लाया जाएगा। साबरमती जेल से राजस्थान के उदयपुर, मध्य प्रदेश के शिवपुर होते हुए झांसी के रास्ते प्रयागराज अतीक अहमद को लाया जा सकता है। ये हम उस रूट के बारे में भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि अतीक अहमद को एक बार इसी रूट से लाने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही। अतीक को पहले लाने वाली पुलिस टीम ही इस बार भी भेजी गई है, क्योंकि पिछली बार कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को प्रयागराज के नैनी जेल लाया गया था। यही वजह है कि पुरानी ही पुलिस टीम को इस बार फिर से भेजा गया है। अतीक अहमद खौफ का वो नाम है जिसके बिना पत्ता तक नहीं हिलता था।
खौफ का वो दूसरा नाम जिससे बच्चा बच्चा तक डरता था, तो आज समय का चक्र ऐसा घूमा कि अतीक अहमद ही अब डर के साय में जी रहा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सागर थापा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, 16 दिन के भीतर एक बार फिर से अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है, किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? एक ऐसा माफिया था जिसके खिलाफ तकरीबन 100 से अधिक मुकदमे दर्ज थे और अब ये कुल मिला के गिरफ्त में आया है और इसको तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर दोबारा से साबरमती जेल से प्रयागराज जेल लाया जा रहा है। जी, पूछताछ की जाएगी, उसके बाद अदालत में पेश किया जाएगा और अदालत के ऊपर ये माना जा रहा है कि अदालत कितने दिन का रिमांड इसको पेश करती है। पलटी थी तो कहीं ना कहीं अतीक अहमद को ये भी लग रहा था। दूसरी बार उसने मीडिया के सामने ये बयान दिया है कि उसकी गाड़ी पलट सकती है, पुलिस उससे मार सकती है और पुलिस उसकी हत्या कर सकती है। तो कहीं ना कहीं उसे एक डर बना हुआ था, जो एक माफिया अपने दौर में 40 साल का लगभग इसका आपराधिक इतिहास है, 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, हत्या, लूट, रंगदारी, फिरौती के, लेकिन अब वो माफिया एक जेल में रहेगा। फिलहाल अदालत ने इससे पहले भी उम्र कैद की सजा सुनाई है और कुल मिला के देखा जाए कि अभी तक जो उसके फरार जो साथी हैं वो भी उसकी तलाश में भी SKF, UPSKF तमाम जांच एजेंसी लगी है। फिलहाल मुझे जहां तक लगता है कि बहुत ही जल्द ही पुलिस उसका खुलासा करेगी और देखना ये दिलचस्प होता है मुस्कान कि जो पुलिस जिसे अदालत के समक्ष पेश करेगी, अदालत के बाद रिमांड के बाद क्या पुलिस के साथ पुलिस के हाथ लगता है और क्या कुछ नई बातें निकल कर आती है। सागर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को प्रयागराज के नैनी जेल लाया जा रहा है, तो क्या कुछ जो रोडमैप है वो निर्धारित किया गया है? क्या पुराने रूट से ही जो पुलिस है वो लेके पहुंचेगी या फिर रूट में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए मुस्कान, कुल मिला के बता दूं कि 2 प्रिजन वैन के साथ तमाम जो गाड़ियां हैं पुलिस की इसमें चलेंगे। कुछ पुलिस वाले सादी वर्दी में भी रहेंगे और 8 से 9 कांस्टेबल रहेंगे, 3 इंस्पेक्टर रहेंगे और एक IPS अधिकारी रहने की भी संभावना है। और मुझे लगता है कि गुपचुप तरीके से पुलिस पहुंचेगी और मंगलवार, आज के दिन की बात बता रहा हूँ, 2:30 से 3 बजे की दौरान पुलिस रवाना हो चुकी है। 22 से 24 घंटे का रास्ता है, उसके बाद वहाँ पर जेल कारागार में जाएगी, उसके बाद बी वारंट पेश करेगी पुलिस, उसके बाद उसे हिरासत में लेके आएगी। फिलहाल सुरक्षा के बहुत ही कड़े इंतजाम रखे गए हैं क्योंकि एक दुर्दांत अपराधी है, दुर्दांत माफिया है जिसने किसी को भी नहीं छोड़ा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी दलबल का हो, वो उसने एक प्रूफ किया था कि उसने कुल मिला के देखा जाए तो 25 जनवरी 2005 को राजू पाल जो कि बसपा के विधायक थे उसने उस पर गोलीबारी करी, बमबारी करी, उसे मौत के घाट उतार दिया। और 17 साल पुरानी उमेश पाल और अतीक अहमद की दुश्मनी, क्योंकि उमेश पाल एक मुख्य गवाह था राजू पाल हत्याकांड में, तो कहीं ना कहीं अतीक अहमद एक फिराक में था और साबरमती जेल के अंदर उसने पूरी प्लानिंग करी अपने भाई के संपर्क में हुए, क्योंकि उसका भाई अशरफ जो है बरेली जेल में बंद था, उससे उसने अपने भाई से संपर्क किया, उसने अपने गुर्गों से संपर्क किया और ये घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए हैं क्योंकि CM योगी लगातार इस पूरी घटना पर मॉनिटरिंग किए हैं और DGP भी लगातार इस पूरी घटना पर जानकारी ले रहे हैं अपने उच्च अधिकारियों से। जी बिल्कुल सागर, लेकिन अब यहाँ ये जानना काफी अहम हो जाता है कि आखिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी अतीक अहमद के MPML कोर्ट में पेशी हो सकती थी, तो आखिर उनको वापस प्रयागराज लाने की वजह क्या सामने आ रही है? देखिए सबसे बड़ी बात मुस्कान आपको बता दूं कि अतीक अहमद को जब ये एहसास हुआ कि उसे UP पुलिस दोबारा से साबरमती जेल लाने वाली है तो उसने अपने पेट दर्द का बहाना बनाया, उसके बाद डॉक्टर ने उसकी जांच करी तो कुल मिला के वो स्वस्थ नज़र आया, तो स्वस्थ नज़र आया तो उसके बाद से यूपी पुलिस ने फैसला लिया एक बार फिर से कि उसे साबरमती जेल से उठाकर प्रयागराज लाया जाए, क्योंकि मुख्य बात यह है कि प्रयागराज का मामला है, प्रयागराज में विभत्स हत्याकांड हुआ है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात नहीं बन पाती और कहीं ना कहीं अतीक इस पूरे मामले से बचने की फिराक में था और अतीक का नाम सामने आया तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसकी पत्नी है
और उसके जो एक बेटा है असद वो भी फरार है और उस पर 5 लाख का सरकार ने इनाम रखा है और उसके जो दो बेटे हैं उन्हें बाल सुधार गृह में रखा गया है। तो कुल मिला के जो अतीक की फैमिली है और जो अतीक के जो जिससे अतीक से जुड़े लोग हैं वो पूरी तरह से फंस चुके हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं दोषी तो मान रहे हैं लेकिन वो सरेंडर की अर्जी भी लगा रहे हैं लगातार। अब देखना ये है होगा कि जो फरार जो लोग चल रहे हैं चाहे उसकी पत्नी हो चाहे उसका बेटा वो कब तक पुलिस की गिरफ्त में होते हैं। और दूसरी बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साफ साफ कोर्ट के सख्त निर्देश थे कि अतीक को अहमद को प्रयागराज कोर्ट में पेश किया जाए, उसे व्यक्तिगत तौर पर पेश किया जाए ना कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो सारी बातें सामने निकल कर आएंगी। फिलहाल कोर्ट अभी देखता है कि इसमें क्या क्या अधिक इसमें अतीक के अतीक अहमद के पास क्या क्या राज छुपे हैं और पुलिस इसको पूरी तरह से मुझे लगता है कि पुलिस और एसटीएफ जो यूपी के तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से अतीक को पूरी तरह से खंगालेंगी और उनके जो छुपे राज हैं अतीक अहमद के पास वो पूरी तरह से निकालने की कोशिश करेगी। यानी कि सागर ये कहा जाए कि अतीक बोलेगा कई राज खोलेगा, ये लाइन कहीं ना कहीं पुलिस पूरे तरीके से सच साबित करने की कोशिश करेगी। जी मुस्कान आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात है कि वक्त का पहिया जैसे कि आपने कहा था और एक बात मैं आपको बता दूं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। बिल्कुल वो दौर था जब अतीक अहमद की तूती बोलती थी प्रयागराज में और आज एक ये दौर है जो उम्र कैद की सजा काट रहा है सजा याफ्ता कैदी है प्रिजन वैन में आ रहा है जिसका काफिला हजारों की गाड़ियों में काफिला गुजरता था प्रयागराज की सड़कों से चाहे वो कोई भी मंत्री हो उसको काफिले को रोक दिया जाता था इसका एक मान के चलिए रुतबा था दबदबा था। लेकिन आज वो अतीक अहमद जेल के अंदर है अपने जो अपने उसने किया है अपने किए का गुनहगार है और अपने जो पाप किए उसने किए उसका पछतावा भी कहीं ना कहीं अतीक अहमद को होगा। तो मुझे लगता है कि अतीक अहमद अब बोलेगा कुछ ना कुछ बोलेगा क्योंकि यूपी पुलिस लगातार उस पर दबाव बना रही है और अब सबसे बड़ी बात है कि जहाँ तक यूपी पुलिस दो बार उसे ला दूसरी बार ये ला रही है भी वारंट है तो मान के चलिए मुस्कान यूपी पुलिस की कितनी तैयारियां होंगी और यूपी पुलिस किन किन राज्यों को अब खोलने वाली है। जी बिल्कुल सागर, जब पिछली बार बरेली से अशरफ को लेके आया गया था तो अशरफ ने कहा था मीडिया से कि भाई हम तो राजनैतिक परिवार से हैं, डर तो गुंडे और माफियाओं में होना चाहिए। लेकिन अब जब अतीक एक बार फिर से बाहर निकला तो उसने कहा कि हमें डर है कि फिर से मेरा एनकाउंटर हो जाएगा। की बातों से पूरी तरह से वाकिफ रखता हूं। अशरफ का साफ साफ बयान आया था कि हम राजनीतिक परिवार से, लेकिन एक बात आपको बता दूं कानून सबके लिए है कि चाहे वो राजनीतिक परिवार हो चाहे आम परिवार हो, लेकिन अशरफ के दिमाग में फितूर था कि मैं राजनीतिक परिवार से हूं और एक माफिया डॉन का भाई हूं तो शायद मेरा कोई कुछ ना कर पाए क्योंकि बीती सरकारों में एक बात बता दूं मुस्कान की इन्हें काफी संरक्षण प्राप्त हुआ है, इन्होंने काफी अपराध भी किया, लेकिन यहां सीएम योगी की सरकार है और सीएम योगी ने सदन में साफ साफ कहा था मिट्टी में मिला देंगे। और वहीं डीएम ब्रजेश पाठक का भी एक बयान आया है कि जो भी अपराधी हो वो बख्शा नहीं जाएगा, कोर्ट उसे सजा देगी। अगर वो बाहर है और यूपी पुलिस या फिर समाज में कोई गंदगी फैलाने की कोशिश करता है तो वही अंजाम होगा जो पिछले अपराधियों का हुआ और विकास दुबे का हुआ। तो फिलहाल अशरफ का बयान ये था, लेकिन वहीं अतीक अहमद डरा सहमा हुआ है क्योंकि उस पर काफ़ी सैकड़ों मुकदमे हैं तो कहीं ना कहीं उसे ये लग रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त वही है तो उसे लग रहा है कि पुलिस कहीं उसका एनकाउंटर ना कर दे, इस वजह से वो लगातार मीडिया में बयानबाजी कर रहा है, अपने बचाव में पक्ष रख रहा है कि उसे लगता है कि शायद मीडिया में अगर बयानबाजी करूंगा तो कहीं ना कहीं उसे यूपी पुलिस बख्श देगी। लेकिन बात एक अलग बात है क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है हमारे सर्वोच्च न्यायालय, वो न्यायालय जो फैसला लेगी उसे हम आम आदमी से लेकर यूपी पुलिस हर कोई मानेगा, सीएम योगी से लेकर हर कोई उसे एक्सेप्ट करेगा उसे मानेगा। तो फिलहाल देखना ये होगा कि कल उसे पुलिस जो है यूपी पुलिस उसे कोर्ट पेश करेगी और पुलिस यूपी पुलिस को कोर्ट कितने दिन का रिमांड देती है। जी यानी कल का दिन सागर काफी अहम हो जाता है, आप इस खबर पर लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। तो वही इस खबर पर एक बार फिर से ज्यादा जानकारी के लिए प्रयागराज से सीधे हमारे सहयोगी पवन पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, अतीक अहमद को लेने पुलिस पहुंच चुकी है और ये कहा जा रहा है कि जो पुरानी टीम अतीक अहमद को लेके आई थी वही सेम टीम इस बार भी लेने गई है, लेकिन सुरक्षा को और ज्यादा दुरुस्त कर दिया गया है। तो किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम पुलिस द्वारा किए गए हैं पवन? अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया डॉन अतीक अहमद को साबरमती जेल से एक बार फिर से प्रयागराज लाया जा रहा है और करीब 1250 किलोमीटर की जो दूरी है उसको अतीक अहमद सड़क के रास्ते से तय करेगा। अगर पुलिस की टीमों की बात की जाए तो जिस गाड़ी में अतीक अहमद को बैठाया गया है वो गाड़ी पूरी तरीके से सुरक्षा
से युक्त है और उस गाड़ी के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और जो उस पर पुलिसकर्मी बैठे हैं वो उनके ऊपर भी बॉडी वॉर्न कैमरे लगाए गए हैं। अगर बीते दिनों की बात की जाए तो करीब जब 16 दिन पहले जब अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया था तो उमेश पाल अपहरण कांड मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश करने के लिए अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया था, लेकिन इस बार अतीक अहमद को उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस रिमांड पर लेने के लिए प्रयागराज ला रही है। क्योंकि अगर हत्याकांड की भी बात इसलिए जरूरी है कि करीब 40 दिन बीत जाने के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी है और अतीक अहमद इस पूरे हत्याकांड का मुख्य रूप से आरोपी बनाया गया है, तो ऐसे में पुलिस जिस रास्ते से ला रही है कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो पुलिस ने जो रास्ता अपनाया था उन्हीं रास्तों से लेके अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जाएगा, क्योंकि पुलिस के लिए वो रास्ता काफी सहज है, क्योंकि करीब 1200 किलोमीटर की दूरी जब पिछली बार पुलिस ने तय की थी तो उस रास्ते में कई ऐसी चीजें भी आई थी। हालांकि एक और महत्वपूर्ण खबर पिछली बार हम सबने देखी थी जब अतीक अहमद की गाड़ी से एक गाय टकराई थी, तो चूंकि पुलिस की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अतीक अहमद को वहां से सुरक्षित प्रयागराज लाया जाए। हालांकि अगर आज की बात की जाए तो जब अतीक अहमद को गाड़ी में बैठा गया तो उस समय एक तस्वीर सामने आई जब अतीक अहमद से मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की, तो अतीक अहमद के चेहरे पर इनकाउंटर का डर है वो साफ तौर पर देखा गया। अगर बीते बार की भी बात की जाए तो अतीक अहमद पिछली बार भी अतीक अहमद ने मीडिया से यह कहा था कि कोर्ट के सहारे उसका इनकाउंटर किया जा सकता है, लेकिन जब 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रयागराज लाया गया और उसका एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया तो उसके ऊपर जिस तरीके से कोर्ट ने सजा सुनाई है ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अतीक अहमद को नैनी सेंट्रल जेल में रखा जाएगा जहां से पुलिस द्वारा सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस अतीक अहमद को रिमांड पर लेने की अर्जी करेगी ताकि उमेश पाल हत्याकांड को लेकर तमाम जो ऐसे सवाल है जो इनके अभी तक जवाब नहीं मिल पाए हैं उनसे अतीक अहमद से पुलिस पूछताछ करेगी। बिल्कुल पवन, जिस तरीके से जब अतीक को जेल से लेकर के नैनी जेल लाया जा रहा था साबरमती जेल से, तो उस टाइम उसने मीडिया का धन्यवाद दिया था, कहा था कि मैं मीडिया वालों को धन्यवाद देता हूं जिनकी वजह से मेरा एनकाउंटर नहीं हुआ। लेकिन इस बार भी अतीक के काफिले के साथ जो पुलिस का काफिला अतीक को लेने पहुंचा है उनके साथ भी लगातार मीडिया चल रही है, तो फिर इस बार अतीक को क्यों खौफ है? क्योंकि इस बार फिर अतीक कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे रखकर ये बंदूक दागी जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए अगर अफवाहों की बात की जाए तो प्रयागराज में भी अफवाहों का दौर है, वो चर्चाओं में है क्योंकि अतीक अहमद को अगर पूरी घटना को कहीं ना कहीं कानपुर से भी जोड़ा जाए जब विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था, क्योंकि इतने बड़े अपराधी को उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से दंडित करती है, किस तरीके से उसके ऊपर कार्यवाही होती है, यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और अतीक अहमद की अगर बात की जाए तो अतीक अहमद के ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे और इतने बड़े अपराधी को पुलिस किस तरीके से लाएगी ये काफी अहम होता है और लोगों के लिए जो अफवाहों का दौर है वो निश्चित रूप से अफवाहों का बाजार पूरी तरीके से गर्म है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अतीक के साथ इनकाउंटर हो सकता है, ऐसा अतीक का मानना और ऐसा अतीक ने आरोप लगाया है, लेकिन अगर बीते बार की बात की जाए तो उस पूरे रास्ते को लेकर प्रयागराज पुलिस और तमाम जो पुलिस की टीमें हैं अतीक अहमद को सुरक्षित प्रयागराज लाई थी और एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था, तो इस बार भी पुलिस जो है वो पूरी तत्परता के साथ आ रही है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जिस गाड़ी में अतीक अहमद को बैठाया गया है उसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं उनको बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल पवन, कल एमपीएमएलए कोर्ट में अतीक की तो पेशी होनी है, अतीक के साथ और किन किन को कल पेश किया जाएगा? देखिए अगर खबरों की बात करें मुस्कान, तो अभी जो ताजा खबर सामने आई है अतीक अहमद की जो बहन है आयशा नूरी उसने सरेंडर की अर्जी पेश की है और अतीक अहमद की भांजी ने ये वकील के माध्यम से कोर्ट में अर्जी पेश की है। हालांकि इसकी जो सुनवाई है वो 13 तारीख को होनी है, तो निश्चित रूप से अब जिस तरीके से अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है और अतीक का जो कुनबा है और चाहे अतीक को जो करीबी या अतीक के जो पारिवारिक जन है उनकी बात की जाए तो लगातार जो बातें सामने आ रही है कहीं ना कहीं उमेश पाल हत्याकांड की जो आखिरी कड़ी है उस पर जुड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पूरे हत्याकांड को लेकर पुलिस की तमाम टीमें इस पूरे आरोपियों के तलाश में जुटी हुई है। हालांकि अगर पूरे घटना को सिलसिलेवार देखा जाए तो आज करीब 40 दिन बीत गए और पुलिस करीब 100 से ज्यादा अलग अलग स्थानों से अलग अलग लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है जो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस पूरे घटनाक्रम में हत्याकांड में शामिल थे। लेकिन पवन, अभी भी लेडी डॉन जो है वो मिली नहीं है, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर है। पुलिस लगातार जो अतीक की पत्नी है उस पर सिर्फ जो है इनाम की राशि बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, तो आखिर पुलिस किस तरीके से काम कर रही है?
बिल्कुल मुस्कान, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जब अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को इस पूरे हत्याकांड में आरोपी बनाया गया और आरोपी को ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया गया और अब पुलिस प्रयागराज पुलिस द्वारा इनाम की राशि है वो बढ़ा दी गई है 50,000 रुपए की जो इनाम राशि है, तो निश्चित रूप से यह जो है कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल की ओर, ये सवाल जो है वो एक बड़ा सवाल भी पैदा कर रहा है कि आखिर लेडी डॉन को अभी तक प्रयागराज पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है और इस पूरे हत्याकांड को लेकर शाइस्ता परवीन की तमाम वो तस्वीरें भी सामने थी, जब शाइस्ता परवीन की बात जी और इसका भी जवाब लोगों को चाहिए क्योंकि बीते कल की बात है तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसका ऐलान किया है कि अतीक अहमद के परिवार के किसी सदस्य को बहुजन समाज पार्टी नगर निगम चुनाव में किसी भी मत के लिए अपना प्रत्याशी नहीं घोषित करेगी। लेकिन बात यहाँ पे लेडी डॉन की गिरफ्तारी की है तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर घटना के करीब 40 दिन बीत जाने के बाद भी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। हालांकि अगर पुलिस की कार्रवाई देखी जाए तो वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है क्योंकि घटना में शामिल जितने भी मुख्य आरोपी थे, जितने भी मुख्य चेहरे थे वो अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। लेकिन अब जब प्रयागराज आ जा रहा है अतीक अहमद को तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि अतीक अहमद को पुलिस रिमांड पर लेकर जब पूछताछ करेगी तो निश्चित रूप से इस घटनाक्रम का और इस हत्याकांड का कहीं ना कहीं जो खुलासा है वो देखने को मिलेगा और घटना में शामिल जो मुख्य आरोपी है और जितने भी उस घटना में शामिल जो मुख्य रूप से अपराधी है उनको कहीं ना कहीं पुलिस गिरफ्तार करेगी, ऐसे कयास लगा जो ऐसे जो कहीं ना कहीं जो संदेश है वो नजर आ रहा है क्योंकि तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पर तैर रही है, लोग तरह तरह की चर्चाएं करते हैं। हालांकि पुलिस की टीमें लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी है, अब अतीक अहमद को जब कोर्ट में पेश किया जाएगा, पुलिस जब रिमांड पे लेगी तो किस तरीके से पूछताछ होगी यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होगा और ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, धन्यवाद पवन इस खबर पर हमारे साथ तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो एक बार फिर से आज ये खबर लगातार चर्चाओं में बनी हुई है कि अतीक अहमद को एक बार फिर से साबरमती जेल से प्रयागराज के नैनी जेल लाया जा रहा है क्योंकि ये बड़ी और अहम खबर है। 16 दिन के भीतर ही एक बार फिर से अतीक को प्रयागराज के नैनी जेल में लाया जाएगा जहां उमेश पाल हत्याकांड मामले में कल MP MLA कोर्ट में अतीक की पेशी होगी, वह रिमांड अर्जी पर भी सुनवाई होगी कि आखिर जो अतीक की रिमांड है उसे मंजूर किया जाता है या नहीं, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि अतीक बोलेगा कई राज खोलेगा क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अतीक अहमद अपने साथ कई राज समेटे हुए हैं। अतीक को यह भी पता है कि आखिर उसकी पत्नी कहाँ है क्योंकि कहीं ना कहीं अतीक की पत्नी पर जो है उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी बताई जा रही है। वही एक बार हम ग्राफिक्स को समझाने का आपको प्रयास करते हैं कि आखिर क्या रूट है जिस रूट से अतीक अहमद को लाया जाएगा, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि झांसी जालौन महोबा बांदा चित्रकूट होते हुए प्रयागराज अतीक को लाया जा सकता है क्योंकि पिछली बार भी जो रूट था वो यही था और पुलिस के मुताबिक पुलिस का ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये रूट उनके लिए ज्यादा सेफ है, यही वजह है कि वो अतीक अहमद को एक बार फिर से हो सकता है इसी रूट से लेकर आए या हो सकता है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा रूट में भी बदलाव हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि अतीक को इसी रूट से लाया जाएगा तो कागजी कार्रवाई लगातार साबरमती जेल के अंदर जारी और हो सकता है कि अब से थोड़ी ही देर में अतीक अहमद को पुलिस लेकर निकल पड़े। हमारी इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।